हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। टनल या सुरंग का निर्माण हाईवे कनेक्टिविटी या रेलवे कनेक्टिविटी को और बेहतर करने में किया जाता है एवं पहाड़ी क्षेत्रों में टनल का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनस रीजन में 12 महीने बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल काम है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश का माउंटेनस रीजन कुछ पड़ोसी देशों से बॉर्डर शेयर करता है एवं उनमें से कुछ देशों का व्यवहार हमारे प्रति सकारात्मक नहीं है एवं कुछ पड़ोसी देश आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं एवं उसका इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ करते हैं। तो इन परिस्थितियों में हमारे देश के बॉर्डर के पास बनने वाले टनल्स का महत्व सामरिक दृष्टिकोण या स्ट्रेटेजिकली और बढ़ जाता है एवं मैंने हमारे देश के अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और इन 5 टनल्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के टॉप 5 अपकमिंग टनल्स के बारे में, जिनमें से कुछ टनल्स निर्माणाधीन है, कुछ प्रस्तावित है एवं कुछ पर काम बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एवं मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं जेड मोर टनल के बारे में। जेड मोर टनल एक निर्माणाधीन टनल है जिसका निर्माण जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किया जा रहा है। यह एक रोड टनल है और इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। यह एक ऑल वेदर टनल है और इसको श्रीनगर करगिल हाईवे पर बनाया जा रहा है एवं यह टनल सोना मार्ग और गगनगीर के बीच में स्थित है। यह टनल जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दे कि श्रीनगर से करगिल मार्ग साल में 7 महीने स्नोफॉल के कारण बंद रहता है, लेकिन जेड मोर टनल के निर्माण के बाद श्रीनगर और करगिल के बीच रोड कनेक्टिविटी 12 महीने सुनिश्चित की जा सकेगी तथा श्रीनगर से लेह जाना भी आसान हो जाएगा। इससे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और क्योंकि यह टनल LAC और LOC के पास मौजूद है तो इसका सामरिक तौर पे काफी महत्व है एवं इस टनल के निर्माण के बाद पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के पास मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स और इक्विपमेंट्स के मूवमेंट काफी आसानी से हो पाएगी। यह टनल अंग्रेजी अक्षर के जेड आकार का है, इसीलिए इसे जेड मोर टनल नाम दिया गया है। जेड मोर टनल एक 2-लेन बाई डायरेक्शनल रोड टनल होगा और इसको नेशनल हाईवे नंबर 1 पर बनाया जा रहा है एवं यह समुद्र तल से 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस टनल की चौड़ाई 10 मीटर होगी एवं इस टनल के साथ एक पैरेलल स्केप टनल भी बनाया जाएगा जिसकी चौड़ाई 7.5 मीटर होगी। इस टनल के अंदर बेसिक सिक्योरिटी और इमरजेंसी फीचर्स इंस्टॉल रहेंगे जैसे CCTV कैमराज, वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि। इस टनल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू हुआ और यह 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। यह टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है एवं इसका निर्माण एपको इंफ्राटेक द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में 2379 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 4 पे बात करते हैं इगतपुरी टनल के बारे में। इगतपुरी टनल का निर्माण हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतर्गत किया जा रहा है जिसको हम महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं एवं इस टनल का निर्माण महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी और ठाणे जिले के कसारा घाट के बीच किया जा रहा है। यह एक रोड टनल है और इसकी कुल लंबाई 8.942 किलोमीटर है। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर दे कि निर्माण के पूर्व टनल की जो भी लंबाई बताई जाती है, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब टनल को अंदर से मेजर किया जाता है तो इसकी फाइनल लंबाई में 100-200 मीटर का फर्क हो सकता है। यह बात उनके लिए है जो इस वीडियो को 2 या 3 साल बाद देखेंगे। इगतपुरी टनल को वेस्टर्न घाट में बनाया जा रहा है और यह 6-लेन का रोड टनल होगा एवं इस टनल के अंतर्गत 2 ट्यूब्स का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन्स होंगे। यह टनल हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल होगा। इस टनल का निर्माण मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पैकेज 14 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल के अंदर CCTV कैमरास, टेलीफोन बूथ, ड्रेनेज लाइट्स, क्रैश बैरियर इत्यादि इंस्टॉल्ड रहेंगे। यह टनल महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन है एवं इसका निर्माण कार्य
एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड पर किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था और 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में इगतपुरी टनल का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी शामिल है एवं इसके अलावा 4 और टनल्स का निर्माण महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतर्गत किया जा रहा है। नंबर 3 पे बात करते हैं शिंकुला टनल के बारे में। शिंकुला टनल एक प्रस्तावित टनल है जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा, नियर शिंकुला पास, जिसको कि शिंगोला पास के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रोड टनल होगा और इसकी कुल लंबाई 13.5 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि शिंकुला पास की समुद्र तल से ऊंचाई 5091 मीटर है और साल के करीब 6 से 8 महीने भारी बर्फबारी के कारण यातायात ठप हो जाता है एवं लाहौल और स्पीति के कुछ इलाके का संपर्क हमारे देश से कट जाता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में शिंकुला पास के पास एक टनल बनाने का फैसला लिया गया। इस टनल का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR अभी अंडर प्रोसेस है एवं उम्मीद है कि निर्माण कार्य 2021 में शुरू किया जाएगा। यह एक ऑल वेदर 2 लेन रोड टनल होगा जिसको कि निम्मू पद्दम दारचा हाईवे पर बनाया जाएगा। वर्तमान में निम्मू पद्दम दारचा हाईवे का 2 लेन कन्वर्जन चल रहा है और यह रोड 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। अतः इस टनल के निर्माण के बाद मनाली से लेह वाया निम्मू एक अल्टरनेटिव रूट तैयार हो जाएगा। वर्तमान में रोहतांग पास के समीप अटल टनल का निर्माण किया गया है मनाली लेह हाईवे पर, जो कि एक अलग रूट है। अतः शिंकुला टनल के निर्माण के बाद मनाली से लेह के बीच 2 रूट्स का ऑप्शन होगा एवं शिंकुला टनल सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। निम्मू पद्दम दारचा 297 किलोमीटर लंबा हाईवे के निर्माण के बाद मिलिट्री कॉन्वॉयस 1 दिन के अंदर मनाली से लेह तक पहुंच पाएंगे, जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल विक्ट्री होगी एवं इस टनल के निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास होगा। शिंकुला टनल का निर्माण ग्रेट हिमालयन के जंस्कार माउंटेन रेंज में किया जाएगा। इस टनल का DPR नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस टनल का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और डेडलाइन वर्तमान में अवेलेबल नहीं है। जब भी इसकी जानकारी आएगी फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर अंडर वाटर टनल के बारे में। यह एक प्रस्तावित टनल है जिसका निर्माण असम राज्य में किया जाएगा। यह एक रोड टनल होगा और इसकी कुल लंबाई 14.85 किलोमीटर होगी। यह टनल हमारे देश का पहला अंडर वाटर हाईवे टनल होगा जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर अंडर वाटर टनल एक 4 लेन ऑल वेदर रोड टनल होगा एवं इसके अंतर्गत 2 ट्यूब्स या कैप्सूल्स का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक ट्यूब में 2 लेन्स का हाईवे होगा। इस प्रकार एक ट्यूब गाड़ियों के जाने के लिए और दूसरी ट्यूब गाड़ियों के आने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस टनल को असम राज्य के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच बनाया जाएगा और यह नेशनल हाईवे नंबर 15 और नेशनल हाईवे नंबर 715 को आपस में कनेक्ट कर देगा। इस टनल के निर्माण के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी एवं नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों से अरुणाचल प्रदेश जाना और भी आसान हो जाएगा। इससे टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और इतना ही नहीं, यह टनल हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस टनल को बनाने का प्रस्ताव इंडियन आर्मी द्वारा रखा गया था और वर्तमान सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस टनल के निर्माण के बाद चीन सीमा के पास मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स और इक्विपमेंट्स के मूवमेंट और भी आसान हो जाएगी और क्योंकि यह अंडर वाटर टनल है तो टनल का इस्तेमाल करके मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिलरी को भेजना काफी आसान और सुरक्षित माना जाता है बजाय किसी ब्रिज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में। इस टनल के अंदर बेसिक सिक्योरिटी और इमरजेंसी फीचर्स इंस्टॉल रहेंगे जैसे CCTV कैमरास, वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम, क्रैश बैरियर इत्यादि। इस टनल का निर्माण नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और लुइस बर्जर कंपनी द्वारा किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगा एवं इसके निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड लागत आएगी। इस टनल का निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा और यह 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 1 पे बात करते हैं देवप्रयाग लचमोली टनल के बारे में। यह एक निर्माणाधीन टनल
टनल है और इसका निर्माण उत्तराखंड स्टेट में किया जा रहा है। यह एक रेलवे टनल होगा और इसका निर्माण 125 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह एक सिंगल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन टनल होगा और इसकी कुल लंबाई 15.1 किलोमीटर होगी। इस प्रकार यह हमारे देश का सबसे लंबा रेलवे टनल होगा। वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा रेलवे टनल पीर पंजाल रेलवे टनल है, जिसकी कुल लंबाई 11.215 किलोमीटर है, लेकिन बहुत जल्द यह उपाधि देवप्रयाग लचमोली टनल को मिल जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बन रहे चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है एवं चार धाम रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बनने वाले टोटल रूट की लंबाई 327 किलोमीटर है एवं इस परियोजना के अंदर कुल 61 टनल्स बनाए जाएंगे। और सबसे रोचक बात यह है कि चार धाम रेल परियोजना के 327 किलोमीटर लंबे रूट का 279 किलोमीटर लंबा सेक्शन विभिन्न विभिन्न 61 टनल से होकर गुजरेगा। चार धाम रेल परियोजना के 327 किलोमीटर लंबे रूट का 125 किलोमीटर लंबा रूट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन वर्तमान में निर्माणाधीन है। यह चार धाम परियोजना इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक बनाया जा रहा है, तो इसका अपने आप में एक सामरिक महत्व है और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में मिलिट्री ट्रूप्स और टैंक्स की मूवमेंट वाया रेलवेज काफी आसानी से हो पाएगी। इसके साथ ही यह चार धाम रेल परियोजना उत्तराखंड में टूरिज्म के सेक्टर को भी बूस्ट करेगा। यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है एवं श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा इंडियन रेलवे द्वारा 12 महीने कर पाएंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन सेक्शन पर 17 टनल्स होंगे, जिसमें देवप्रयाग लचमोली टनल, जिसकी लंबाई 15.1 किलोमीटर है, सबसे लंबा टनल होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण में कुल 16,216 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं इस राशि में टनल पर लगने वाला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी शामिल है और यह रेल लाइन परियोजना 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड के अधीन है एवं इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाले टनल्स और ब्रिजेस का निर्माण इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। तो ये तो था हमारे देश के टॉप 5 अपकमिंग टनल्स के बारे में जानकारी, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में इन 5 टनल्स के अलावा और भी दर्जनों छोटे बड़े टनल्स निर्माणाधीन और प्रस्तावित है एवं इन सभी टनल्स के निर्माण के बाद निश्चित तौर पे कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, यह सभी टनल्स हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, इसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, जय हिंद, वंदे मातरम।